लिखने के लिए जाइए। सामाजिक संवेदनशीलता, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल सेंसिटिवनेस। किसी गरीब व्यक्ति को अगर कुछ होता है तो मन में अपने परिवार में जिस प्रकार में कोई व्यक्ति हो उसी प्रकार की भावना उसके बारे में हमारे मन में पैदा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बताया था कि समाज का जो शोषित पीड़ित व्यक्ति है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं, उसको हम भगवान माने और उसकी सेवा निरंतर करते रहे जब तक उसको रोटी और कपड़ा और मकान नहीं मिलता, तब तक हमारा कार्य शुरू रहेगा। जिस दिन ये सपना पूरा होगा उस दिन हमारा काम पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के विचार में कहा है। ये भाषणों में नहीं होना चाहिए, ये व्यवहार में होना चाहिए। मैं आग्रह से आपको कहूंगा कि जो जो बात हम बोल रहे हैं उसका अनुकरण हमारे व्यक्ति में जीवन में होगा तो ही उसको मान्यता मिलेगी। और कथनी और करनी में अंतर होगा तो लोग कहेंगे कि हिपोक्रेसी है, हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं बैठेगा। जो कहेंगे वही करेंगे और जो करेंगे वही कहेंगे, यही विश्वासार्हता हम सबको निर्माण करनी है। मुझे लगता है कि हमको भविष्य का जो कल है, भविष्य है, वो निर्माण करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम चुनौतियों को स्वीकार करें, उन्हें समझे, उनका मुकाबला करें। मैं अक्सर ये मानता हूं कि राजनाथ सिंह जी ने कहा, अभी उन्होंने खेद व्यक्त किया कि हम लोग लोकसभा का चुनाव जीत नहीं सके, पर मुझे लगता नहीं जीते तो नहीं जीते। पर राजनाथ सिंह जी आज ये भी पार्टी की ताकत, बहुत बड़ी ताकत है। आज हम लोग 9 राज्यों में हमारी सत्ता है, हजारों एमएलए, हार या जीत तो हो जाती है। मैं कल भी हमारे कार्यकारिणी के भाषण में मैंने कहा था कि अमेरिका के पूर्व अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन, जिनका आत्मचरित्र मैंने पढ़ा, उसमें एक वाक्य उन्होंने बहुत अच्छा कहा, वो जिंदगी में याद रखता हूं। उन्होंने कहा था, द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि पर हारने के बाद कोई व्यक्ति समाप्त नहीं होता, जब युद्ध भूमि को छोड़कर जब भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। आज के हार में कल के विजय को हम देख रहे हैं। भूतकाल में जो कुछ कमियां उसको ढूंढेंगे, वर्तमान काल में उसके ऊपर हम कार्य करेंगे और भविष्य को फोकस करके 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से दिल्ली में हमारा शासन लाकर रहेंगे। ये पॉजिटिव अप्रोच और आत्मविश्वास के साथ हमको आगे जाना है। अडवाणी जी, कल भी मैंने कहा था कि चेन्नई के बैठक में उन्होंने एक वाक्य कहा था जो मेरे दिल में बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर गया। उन्होंने कहा था कि आत्मविश्वास और अहंकार, इन दो शब्दों के बीच में बहुत थोड़ी रेखा है। पॉजिटिव अप्रोच एंड कॉन्फिडेंस, ये बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। हम पॉजिटिव अप्रोच और आत्मविश्वास को लेकर हमारी जो चुनौती है उसको स्वीकार करके, भूतकाल में जो कमियां हैं उसके ऊपर चर्चा करने के बजाय उसको सुधार के, हम भविष्य के विजय को, जो पार्लियामेंट पर 2014 में हमने फोकस किया, उस जीत के ओर हमको प्रभावी मार्ग से आगे जाना है, उसका संकल्प करके आप यहां से जाइए। ये मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है। और जब आप सब लोगों ने तय किया तो विजय निश्चित है, निश्चित है। आत्मविश्वास के बाद जाइए, नकारात्मक बात को छोड़ दीजिए। ये मीडिया में कौन क्या लिखता है और क्या नहीं लिखता है, पढ़िए, छोड़ दिए। कोई किसी के लिखने से कोई बड़ा नहीं होता, ना कोई छोटा होता, ना कोई अखबार वालों के लिखने से किसी की सत्ता आती है ना किसी की जाती है। जरूर उसका महत्व है, लोकतंत्र का एक स्तंभ है। अब कभी कभी आते हैं कुछ बातें, उसको छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर हमारा अप्रोच बड़ा लिबरल रहना चाहिए, उससे कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे में इनहेरेंट कैपेबिलिटीज है, पोटेंशियल है, संगठन सामर्थ्य है, कर्तृत्व नेतृत्व है, देशभक्ति का विचार है। क्या किस बात की कमी है, क्या इस देश में सबसे विकास के लिए अच्छा राज्य कौन सा।
नरेंद्र भाई हमारे उसके मुख्यमंत्री हैं। विकास के सब आयाम और कसौटी के ऊपर मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, थोड़ा बहुत समझता हूं। 14% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्या होता है? ये गुजरात में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने करके दिखाया है। कोई सिगरेट गिर जाएगी तो मैं चलो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री के सामने मीटिंग हुई और चर्चा हुई कि राज्य सरकार महंगाई के लिए जिम्मेदार है, तो नरेंद्र भाई ने खड़े होकर पूछा कि आप जिस कार्रवाई की बात करते हो उसमें से केवल 16-18% कार्रवाई कांग्रेस शासित राज्यों में काला बाजार जो करते हैं उनके ऊपर हुई है और बाकी 86% कार्रवाई ये कांग्रेस विरोधी राज्य सरकार ने की है, ये आंकड़ेबाजी है। आप राज्य सरकार को और अन्य दलों को जिम्मेदार कैसा पकड़ते हैं? बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारे बाकी भी राज्यों के बारे में आपको बताऊंगा, वहां भी बहुत अच्छा काम शुरू है। मुझे ऐसा लगता है कि विकास का मॉडल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और हम सब लोगों ने मिलकर देश के सामने रखा है। ये हो सकता है, ये कठिन बात नहीं है। मुझे कभी कभी लोग कहते हैं कि विकास के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ना टेक्नोलॉजी चाहिए। 21वीं सदी का सबसे बड़ा कैपिटल कौन सा है? मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, अनुभव के साथ बताना चाहता हूं, द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ द 21st सेंचुरी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, गुडविल, विश्वसनीयता और विकास के लिए कटिबद्धता, ये सबसे बड़ा कैपिटल है। ये हमारे सब नेताओं में है। मुझे भी मौका मिला था, 5 करोड़ रुपए सरकार दे थे, 8000 करोड़ के काम हुए, कोई कुछ बोल नहीं सकता, काम हो गए, पैसे भी वापस हो गए। 4000 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट से खड़े किए, तो मुझे टाटा रतन टाटा जी कह रहे थे कि यू प्रूव टू बी मोर प्रोफेशनल देन मी। हम कर सकते हैं, देशभक्ति की भावना से अगर हमको विकास करना है तो पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति चाहिए, स्ट्रांग पॉलिटिकल विल चाहिए और शीर्ष तो ये सभी मुख्यमंत्री और हमारे नेता हैं, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से ये बात सिद्ध करके दिखाई है और इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमारे पास ये ताकत है। बहनों और भाइयों, आज विश्व की अवस्था बहुत अलग प्रकार की बनी हुई है। अमेरिका में आर्थिक संकट इस प्रमाण से खड़ा हुआ है कि रिसेशन के कारण अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज बहुत चिंतित है और धीरे धीरे इसका फायदा उठाने के लिए एशियन कंट्रीज में चाइना और हिंदुस्तान में स्पर्धा है। चाइना तेजी से आगे बढ़ रहा है पर मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान के लिए भी ये बहुत अच्छा अवसर है। हमारे पास पोटेंशियल है, क्षमता है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, हम देश की ताकत बन सकते हैं, ये सब हमारे पास क्षमता है। कभी मुझे एक मित्र ने कहा था कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो समस्या का रूपांतर संधि में करते हैं और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो संधि का रूपांतर समस्या में करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विश्व की समस्या हिंदुस्तान के लिए संधि का अवसर है और